किसानों की सब्जी खरीदी बिक्री के लिए व्यापारी और प्रशासन के बीच एक महीने से चला रहा उपापो आखिरकार खत्म हो गया। अब शहर में निरंजनपुर लक्ष्मीबाई मंडी और चौतरा मंडी में किसान अपनी सब्जी व्यापारियों को बेच सकेंगे। प्रदेश में चौतरा मंडी आधी रात के बाद गुलजार होती थी। लॉकडाउन में यहां काम बंद था। अब इंदौर में धीरे धीरे व्यवसाय शुरू हो गए हैं। प्रशासन चाहता है कि चौतरा मंडी में सब्जी की खरीदी बिक्री का लोड कम हो, इसके लिए लगातार व्यापारियों से बैठक भी की गई, लेकिन वे विरोध करते रहे। ये क्रम एक महीने तक चला। आखिरकार देर रात निर्णय हुआ और व्यापारियों को किसानों का माल खरीदने बेचने की अनुमति दी गई। लेकिन इंदौर की मुख्य चौतरा मंडी को दो भागों में बांटा गया है। लक्ष्मीबाई नगर और निरंजनपुर में व्यापारियों को किसानों से रात्रि 11 बजे से सुबह 5 बजे तक माल खरीदने की अनुमति दी गई है। हालांकि पहले दिन कई किसान मंडी में माल बेचने नहीं आए। 60 रुपया आधा भैया, ये 12 बोले 60 रुपया 60 रुपया 60 60 60 60 60 60। आदरणीय विधायक रमेश मेंदोला जी के नेतृत्व में कलेक्टर महोदय से चर्चा करके ये हल निकला कि आप रात 11 बजे से 5 बजे तक मंडी संचालित कर सकते हैं। उस आधार पे हम उस परमिशन के आधार पे रात 11 बजे से 5 बजे तक मंडी चालू रखेंगे। अब आज पहला दिन है, कुछ किसान तो आए हैं, कुछ व्यापारी लोग भी आए हैं। अब इसके आगे की रूपरेखा कल से ही मालूम पड़ेगी। संचालन तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। किसानों को जिन जिन माध्यम से उनको सूचना करना थी उस माध्यम से सूचना करी, किसान आ भी रहे हैं। पर अभी जिस हिसाब से शासन प्रशासन के द्वारा जो सुविधा दी जानी चाहिए वो सुविधा बराबर हो नहीं पा रही है यहाँ पर। अभी क्या है कि जो किसान आ रहे हैं रास्ते में उनको लोग रोक रहे हैं, पुलिस परेशान कर रही है। एक तरफ बोल रही है कि तुम मंडी सब्जी मंडी चालू करो, दूसरी तरफ बोल रही है कि लॉकडाउन चल रहा है, वो लोगों को आने नहीं दे रही किसानों को। तो हम तो चाहते हैं कि किसानों को पूर्ण रूप से आना दिया जाए। हमारे पास परमिशन है, कलेक्टर साहब ने खुद मंडी आगे रह के चालू कराई है हमारी, और हम टोटल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और जो दूरी बना के रखना वो कर रहे हैं, सैनिटाइज का उपयोग कर रहे हैं पूरी मंडी के अंदर।